दोस्तों, अगर आपका नाम इस अक्षर से स्टार्ट होता है या फिर आपके नाम का पहला अक्षर एस है और हिंदी वर्णमाला में आपका नाम जो है सा से स्टार्ट होता है, जैसे कि शिवम, शिवानी, शिवांश, शिवांगी, ऐसे नाम आपके भी होंगे। एक नाम ऐसा ही आपका होगा, आपका नाम क्या है लेकिन हमें नहीं पता है। आपका नाम एस से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में इस नाम वाले लोगों की वो बातें बताएंगे जो आप लोग कभी नहीं सुने होंगे, कभी नहीं जाना होगा। आपके अंदर ये खूबी है और यही खूबी आपके जीवन में कुछ संकट भी देती है, क्योंकि अक्सर इस नाम वाले लोग बदनामी बहुत ही झेलते हैं। आप लोग बदनामी के शिकार हो जाते हैं और ये गलती आप लोग करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो इस नाम वाले लोगों के लिए बेहद खास है, और दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोग पूरी देख लेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आखिर इतनी सच्चाई फिर भी इस नाम वाले इतना संघर्ष क्यों कर रहे हैं? इतना कुछ इनको नॉलेज, इतना कुछ इनको पता है और फिर भी धोखा खा रहे हैं, बदनामी झेल रहे हैं, क्यों झेल रहे हैं, इसका आज हम आपको निचोड़ बताएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जीवन के बारे में तो जानेंगे बल्कि अपने जीवन की सच्चाई जानेंगे, अपने आप को आगे कैसे बढ़ाएंगे ये भी जानेंगे, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद खास है। दोस्तों ये वीडियो खासकर इस नाम वाले लोगों के लिए, अगर आपका नाम इस से स्टार्ट होता है या फिर आपके नाम का पहला अक्षर हिंदी में सा से है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि यही वीडियो आपके जीवन को बदलेगी। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद खास है और इसी वीडियो के जरिए हम आपके जीवन के बारे में बताएंगे। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो आपके नाम के अक्षर से ही आपके जीवन के बारे में बहुत कुछ बता डालता है। और वैसे ही दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में व्यक्ति के जन्म तिथि, जन्म महीने और जन्म वार के साथ ही व्यक्ति के नाम के पहले अक्षर का भी काफी महत्व बताया गया है। नाम के पहले अक्षर के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्ति से जुड़ी कई बातें हम लोग जान सकते हैं और उसके बारे में पता लगा सकते हैं। आज ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी खास रहने वाली है जिनका नाम अंग्रेजी के फर्स्ट लेटर एस से शुरू होता है, क्योंकि आज इस वीडियो में इस नाम वाले सभी सीक्रेट खुलने वाले हैं। यानी कि हम न सिर्फ आपके इस नाम वाले लोगों की खूबियों के बारे में बताएंगे बल्कि इनकी कुछ कमियों के बारे में बताएंगे, प्यार में इनका स्वभाव कैसा होता है, इन सभी चीजों के बारे में आप लोगों को डिटेल से बताएंगे। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे, आज आप लोगों के जीवन की सच्चाई बताने वाले हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो आप लोगों को दोबारा नहीं मिलेगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे एम नाम वाले लोगों के जीवन की सच्चाई। दोस्तों अगर हम प्यार में बात करें इस नाम वाले लोगों की, तो ये थोड़ा लॉयल और रोमांटिक होते हैं। इस नाम वाले लोग जब ये किसी के साथ प्यार में पड़ते हैं तो उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। हालांकि प्यार में इनका स्वभाव थोड़ा सा शर्मीला होता है, ये प्यार तो कर लेंगे लेकिन सामने वाले से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करेंगे और सोचते रहेंगे उसके बारे में, काफी ज्यादा सोचते हैं। ये जो है कुछ प्यार करें तो अपने अंदर रख लेते हैं थोड़े दिनों के लिए, उसके बाद धीरे धीरे इजहार करते हैं। दोस्तों यूं कहें तो अपने प्यार को एक्सेप्ट करना या फिर किसी को बताना इनके लिए थोड़ा कठिन काम है। वैसे तो अपनी फीलिंग हर किसी को शेयर नहीं करते हैं ये लोग, लेकिन अपने पार्टनर से इनके बातें छिपाई नहीं जाती हैं। ये अपने प्रेम को अच्छे से शेयर करते हैं एक दूसरे को, अपनी हर छोटी सी बातों को एक दूसरे से एक्सेप्ट करते हैं, बताते हैं। प्यार में इनका एक सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि ये अपने पार्टनर को हर दुख और हर परेशानियों से दूर रखते हैं और उनसे हमेशा अपनी खुशी की बातें ही शेयर करते हैं और अपने प्यार की जो दुख वाली कहानी है वो छुपा लेते हैं। अपने प्यार के साथ ही अपने परिवार का भी काफी ध्यान रखते हैं ये लोग और इन दोनों में ही एक अच्छा बैलेंस बनाकर चलते हैं ये लोग। ये एक अच्छे प्रेमी साबित होते हैं, फिर चाहे बात हो लव लाइफ की हो या फिर शादी की हो। इन लोगों में जहाँ इतनी सारी खासियत देखने को मिलती है वहीं इनमें एक छोटी सी कमी भी होती है और वह कमी है इनका गुस्सा। वैसे तो ये काफी सुलझे हुए इंसान होते हैं, बहुत ही शांत दिमाग के रहते हैं और शांत दिमाग के होते हैं, लेकिन गलत बातों में इन्हें गुस्सा भी बहुत ही जल्द आ जाता है।
गुस्सा में ये किसी की बात नहीं सुनते हैं और सुनने को तैयार भी नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही इनका गुस्सा शांत होता है, ये अपनी गलतियाँ होने वाली जो हैं और जो हो गई हैं उनसे माफी भी मांग लेते हैं और तुरंत ही अपनी गलती को माफ करवा लेते हैं अगले पर्सन से। स्वभाव से ये भावुक होने की वजह से कई बार ये छोटी छोटी बातों से अपने दिल को रुठा लेते हैं, अपने दिल पर लगा लेते हैं छोटी छोटी बात और खुद को कुछ टाइम के लिए अकेला कर लेते हैं। ये लोग निगेटिव लोगों से बहुत ही दूर रहते हैं और निगेटिव से इनको बहुत ही परेशानी होती है। ये हमेशा ही कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहते हैं और तथा उनकी धुन में लगे रहते हैं। ये काम के बहुत ही पक्के होते हैं जिससे इन्हें काफी प्रगति मिलती है। काम में मेहनत करना इन्हें बहुत ही इंटरेस्ट होता है और इस अक्षर से नाम वाले लोग सरल स्वभाव के होते हैं। दोहरा स्वभाव बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, यानी कि इनके दो स्वभाव नहीं होते हैं, इनके स्वभाव एक ही है और ये जो है अपना स्वभाव बदलना भी नहीं चाहते हैं। जो बात इनके दिल में होती है वही इनके जुबान पर होती है। घुमा फिरा कर बातें करना इन्हें पसंद नहीं होता है और ना ही घुमा फिरा कर बातें सुनना इन्हें पसंद होता है। अपने सिद्धांत पर अड़े रहते हैं ये लोग और इसके लिए किसी से भी नहीं झुकना पसंद करते हैं। अपने बातों पर ये अटल रहते हैं और दोस्तों आपको बता दें ये किसी से भी नहीं डरते हैं और इनके अंदर एक खूबी होती है और प्यार के मामले में ये बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर आप भी इस नाम वाले लोगों से शादी करना चाहते हैं तो जल्दी से कर ही लीजिए क्योंकि ऐसे लोग आपको नहीं मिलते हैं। अब दोस्तों इनके लव लाइफ के बारे में तो हमने बात कर लिया है और शिक्षा और करियर के बारे में बात करें तो इस नाम वाले लोगों के शिक्षा इस साल थोड़ी सी मेहनत लेगी और नौकरी में आप लोगों को थोड़े से प्रमोशन देखने को मिल रहे हैं। जो लोग नौकरी करना चाहते हैं उनको नौकरी भी मिलने वाली है। दोस्तों इस नाम वालों की अब कमियां हम बताएंगे। अगर आप में ये कमी है तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों वो कमी है आप लोग अपने खुशियों को दूसरे को इजहार करना। दोस्तों अगर आप ये गलती करते हैं तो आप खुशियां पा ही नहीं पाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को अपने माइंड सेट को सेट करना है, अपनी खुशियों को अपने पास रखना है। जब तक आप उस काम में सफल ना हो जाएं तब तक किसी को वो खुशियां शेयर ना करें, नहीं तो दोस्तों आप लोग इन खुशियों से मुंह मोड़ पाएंगे और उन खुशियों को पा नहीं पाएंगे। ऐसा दोस्तों अगर आप लोग करेंगे तो आप इन खुशियों को पा पाएंगे और अपने अच्छे से घर को सजा पाएंगे, नहीं तो आपका सपना ही सपना रह जाएगा। अपनी खुशियों को ज्यादा आप लोग ढिंढोरा मत पीटिए। आपको कोई चीज पती चलती है कि हमारा ये काम बनने वाला है, आप अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करने लगते हैं। ऐसी गलती आप अगर करेंगे तो आप अक्सर बदनामी ही झेलेंगे। अक्सर आप बदनामी झेलते भी हैं। आपके ऊपर बहुत सारे ऐसे कलंक भी लगाए जाते हैं कि आपने झूठ बोला या फिर आपने ये किया। तो आप लोगों को बहुत ही सीमित बोलना है, जो बोलना है क्लियर बोलना है, आपको बोलना नहीं है करके दिखाना है, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं, बोलना और सुनना पसंद करना छोड़ देते हैं। अब लोग देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने लाइफ को दिखाइए और कुछ बनकर दिखाइए, तब जाकर आप उनको बताइए। वरना पहले से ही बताओगे तो आपकी टांग जो है लोग पकड़ कर खींच लेंगे, जमीन पर ही राख देंगे। इसलिए अगर आपको उड़ना है, हवा की तरह उड़ना है, तो आप लोगों को अपने पर को फैलाना है। आपको ज्यादा इधर उधर अपनी बातों को बताना नहीं है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ी कमी है और यही कमी आप लोगों के जीवन में संकट बन जाती है और आप लोगों के खुशियों में थोड़ा सा टांग अड़ा देती है। तो इन चीजों से आप लोग बचकर रहिए। जहाँ पर आप हैं वहीं पर बात करिए अगले लोगों को। ये मत बताइए कि हम यहाँ पर हैं और ये करने वाले हैं। ऐसी बातें करने पर आपके करियर पर बहुत बड़े इफेक्ट पड़ सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें बताइए और वीडियो को शेयर करिए और इस नाम वाले लोगों को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंचे और ऑल इंडिया तक ये वीडियो जानी चाहिए। और कमेंट में एक बार सच्चे दिल से ओम नमः शिवाय अवश्य लिखे, एक बार लिख कर देखिएगा, किस्मत जरूर बदलेगी। ओम नमः।